दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। एथलेटिक्स के 5000 मीटर दौड़ में नेपाल के मिलल स्वर्ण, गोपीचंद्र पार के जीतलन स्वर्ण पदक। समृद्ध नेपाल बनावेला राज्य पक्षीय मनोविज्ञान तैयार करेला प्रदेश 5 के मुख्यमंत्री के कहना, जनता के राज्य के पक्ष में कर सकला पर द्रुत विकास होके के दावी। ग्लोबल आईएमई बैंक अजंता बैंक के एकीकृत कारोबार आज से शुरू, दुगो बड़का बैंक के मर्जर से ग्राहक के सहजता। भारत के हैदराबाद में भयल सामूहिक बलात्कार के 4 आरोपी सबके भारतीय प्रहरी के इनकाउंटर में मृत्यु। आते रहवा साथ के आज छठा दिन तेज खेल में प्रतिस्पर्धा हो रहल, भारत 66 आ नेपाल के 37 स्वर्ण। अब पूरा समाचार। 13वां साग अंतर्गत एथलेटिक्स के 5000 मीटर दौड़ में नेपाल के गोपीचंद्र पार्की स्वर्ण पदक जीतले बाड़न। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में आज गोपी तय भेल दूरी 14:54 में पूरा करत स्वर्ण जीतलन ह। 13वां साग के एथलेटिक्स में नेपाल के ई दोसर का स्वर्ण ह। इससे पहले संतोषी श्रेष्ठ महिला 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतले रहले। एथलेटिक्स में नेपाल के ही हरिकुमार रिमाल कांस्य जीतलन। रिमाल 14:57 में दौड़ पूरा कैलन ह। भारत के सुनील दबार 14:55.21 के समय सहित रजत जीतलन ह। समृद्ध नेपाल बनावेला राज्यपक्षीय मनोविज्ञान तैयार करे पड़े के जरूरत देखल गेल बा। राजनीतिक दल आ जनता के मनोविज्ञान राज्य के पक्ष में रूपांतरण करे सकल जाए तो नेपाल के द्रुत विकास होखे के बतावल गेल बा। कानूनी परामर्श तथा अनुसंधान केन्द्र आ FES नेपाल के आयोजना में काठमांडू में भइल आर्थिक समृद्धि आ राजनीतिक दल सब विषयक सेमिनार में प्रदेश 5 के मुख्यमंत्री शंकर पोखरेल समृद्ध नेपाल बनावे के मनोविज्ञान तैयार करे के जरूरत देखौले बानी। राणा शासन, पंचायत राजतंत्र लगायत परिवर्तन के क्रम में जनता के मनोविज्ञान राज्य विरुद्ध रहल कहत मुख्यमंत्री पोखरेल राजनीतिक दल आ जनता के राज्य के पक्ष में रूपांतरण कर सकला पर नेपाल के द्रुत विकास होखे के दावी कैनी ह। जनता ने चाहे को परिवर्तन अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था निर्माण कर जनता ने चुने का प्रत्येक राज्य तर जनतालाई हाम्रो राज्य बनाउने मनोविज्ञान हामीले अझै बनाउन सकेका छैनौँ र हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई हामीले चाहिँ राज्य निर्माणमा चाहिँ हाम्रो सक्रियता राजनीतिमा हाम्रो सक्रियता त काफी छ, राज्य निर्माणमा हाम्रो सक्रियता भन्ने कुराको राजनीतिक शिक्षा पर्याप्त मात्रामा दिन सकेका छैनौँ। नेपालमै केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अभिभी कायम रहल कहत मुख्यमन्त्री पोखरेल मध्यम वर्ग के काठमाडौँ आभी पड़े के बाध्यता हटावे खातिर संघीयता लागू कैल गेल बताउने। पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के सुविधा प्रदेश में विस्तार करके विकास के संतुलन कायम कर सकला पर गांव छोड़े के क्रम रोके के भी मुख्यमंत्री पोखरेल के दावी बाटे। प्रदेश 5 के काम के बारे में धारणा राखत मुख्यमंत्री पोखरेल कहनी प्रदेश 5 के बजट परिचालन के स्तर सबसे ऊपर बाटे। प्रदेश 5 को बजट परिचालन को स्तर अन्यत्र को भन्दा माथि देखियो। हामीले गरे पोजिटिभ भने यही हो। अर्कोतर्फ चाहिँ कुल घाँस उत्पादनमा वृद्धि दर को हिसाबले कुराकानी गर्दाखेरि नेपालले 7.1 को वृद्धि दर हासिल गर्दाखेरि प्रदेश 5 को वृद्धि दर 7.7 भयो। 70% कृषि में आश्रित जनता के 20% में झारे पड़े के कहत मुख्यमंत्री पोखरेल उत्पादन में आधारित उद्योग आयात प्रतिस्थापन करे के उद्योग के विकास पर्यटन पूर्वाधार के विकास सहित संतुलित विकास मार्फत आवे वाला 3 बरस में दोहरा अंकी आर्थिक वृद्धि हासिल करे के धारणा भी उहां के रखनी। कैमरा में JP श्रेष्ठ के साथ हरिशरण उपाने की रिपोर्ट। आर्थिक समृद्धि खातिर जनस्तर से ही खबरदारी करेला सरकार के मंत्री सब सुझाव देले बा। विकास के मॉडल ही बदल के असल नागरिक उत्पादन में भी लागे के जरूरत रहल बतौले बाटे लोग।
काठमाडौँमै कानूनी परामर्श तथा अनुसन्धान केन्द्र आएफईएस नेपालद्वारा आयोजना कैल गेल आर्थिक समृद्धि आ राजनीतिक दलसब विषयक सेमिनारमै प्रदेशके मन्त्री लोग आर्थिक विकास खातिर खबरदारी गरेके सुझाव देले बाडन छन्। संघ प्रदेश आ स्थानीय तहके अधिकारके बारेमै कानूनी अस्पष्टता रहल कारण संविधान संशोधन सहित विकासके मोडल ही परिवर्तन करे पडेमै प्रदेश मन्त्री सबके जोड रहे। समृद्धि खातिर उत्पादनके विशेष जोड देवे पडेके प्रदेश मन्त्री सबके धारणा रहे। मूल रूपमा चाहिँ आर्थिक उपार्जन नै आर्थिक नै हो। सहायकहरू हुन सक्छन्। मूल 51% चाहिँ समृद्धिको झन्डा चाहिँ आर्थिक नै उत्पादनै हो। त्यो उत्पादन पछि मान्छेलाई मानव अधिकार चाहियो, सुशासन चाहियो, आफ्नो हाँस्ने खुस्ने अरू सामाजिक डाइमेन्सनमा मान्छे रुचाउन चाहन्छ। हाम्रो विकास चाहिँ टाउकाले टेकेर हिँड्दाखेरि त्यो एकछिन योगासन गर्दाखेरि अथवा एकछिन एक्सर्साइज गर्दाखेरि त्यो आवश्यक पनि होला, तर टाउकाले टेकेर हिँडेका विकासहरूले चाहिँ गति लिँदैन र त्यो गन्तव्यमा पुग्दैन। त्यसले गर्दा त्यसलाई खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्छ। कार्यक्रममा स्थानीय तहमै जनशक्तिकै क्षमता विस्तारकै साथै सबै नागरिकीय उद्यमशीलता आ वित्तीय साक्षरता तालिम उपलब्ध गराबेकै जरूरत देखावल गेल रहे। कृषि उत्पादनकै प्रविधि मैत्र बनावट उच्च प्रविधियुक्त बनावे पडेकै माग भी कैल गेल रहे। प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रसम्ममा मोटरको बाटो पक्की सडक पुग्नको लागि अहिले कामहरू छ। मलाई लाग्छ आधा भन्दा बढी स्थानीय तहमा यो वर्ष पक्की सडक पुग्छ। यो अभियानमा उत्साहका साथ ठुलो निर्माणको अभियानमा स्थानीय तह अगाडि बढिरहेको छ। अहिले निर्वाचन पछाडि उद्यमशीलता विकास र वित्तीय साक्षरताको एउटा आधारभूत तालिम उसका लागि अनिवार्य छ। त्यो हरेक नागरिकले त्यो तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँदो रहेछ किनकि त्यो उद्यम नगरोस् तर घरभित्र उसले आर्थिक रूपमा घर सञ्चालन गर्नका लागि पनि त्यो तालिम चाहिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष के हो भनेदेखि यसलाई समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँडमा स्पष्ट बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सहभागी लोकद्वारा आर्थिक समृद्धि सँगै सामाजिक न्याय विकास सुशासन लगायतकै विषयके साथसाथै आगे बढाके लिजावे पडेमे भी जोड देहल गेल रहे। क्यामेरामे जेपी श्रेष्ठके साथ हरिचरण उपानेकी रिपोर्ट। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमे जंगल सफारी खुल्ला कैल गेल बा। भ्रमण बरस 2020 के लक्षित करत आन्तरिक आ बाहरी पर्यटक सब खातिर निकुञ्जमे सफारी खुल्ला कैल गेल हा। भ्रमण बरस 2020 के लक्षित करत बाँके के पर्यटन व्यवसायी लोग 2020 जनवरी 1 तारीख में नेपालगंज बोर्डर से बहुते पर्यटक लियावे की सिम से गृह कार्य कर रहल बाड़न सन। बाँके में आयल पर्यटक सबके बाँके राष्ट्रीय निकुंज में जंगल सफारी के साथे हाथी सफारी आ अन्य जीव जंतु आ पंछी के अवलोकन करे खातिर खुल्ला कैल गेल बा। हामी विजिट नेपाल पर्यटनको जिल्ला स्तरीय कमिटीबाट चाहिँ एक दुई दिनभित्र नै हामीले निकाल्छौँ। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको विजिट नेपाल 2020 फर्स्ट डेमा 2020 इन्डियन टुरिस्टहरूलाई हाम्रो जमुना बोर्डरबाट यो बाँकेभित्र छिराउँ र यहाँबाट यो बोर्डरबाट छिरेर उहाँको गन्तव्यको ठाउँमा जानुहुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रवर्तन गर्दैछौँ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमै आबेवाला पर्यटक संख्यामै कमी बाटे। पर्यटन वर्ष 2020 के लक्षित करत निकुञ्जद्वारा करिब 60 किलोमिटर जंगल सफारी कराबेके तैयारी कैल गेल बा। गावर होम स्टे से लेके अगैया तक के जंगल सफारी खातिर करिब 45 किलोमिटर सड़क मरम्मत भी हो चुकल बा। अब यसको चाहिँ हामीले पर्यटकलाई लक्षित गरेर एउटा त हात्तीकै कुरा भयो, हात्ती सफारी गर्ने होइन, अहिले अर्को चाहिँ हामीले जङ्गल ड्राइभको कुराहरू पनि अहिले जोड्या छौँ। तपाईँको चाहिँ हाम्रो करिब करिब 3-3.5 घन्टाको जङ्गल ड्राइभ गर्ने खालको पनि प्याकेजेसमा रहेको छ। बाँके जिल्ला पर्यटनमै लालायत जग्गा हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज धार्मिक रूपमै बागेश्वरी मन्दिर लगायत उहाँ बहुतै रमणीय जग्गा सब बाटे। राष्ट्रिय निकुञ्जके व्यवस्थित गरेके जनप्रतिनिधि लोकके कहनाम बाटे। हामीसँग तिनवटा सम्भावना छ। एउटा इको पर्यटनको हिसाबले यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज महत्त्वपूर्ण छ। अर्को हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको सम्भावना छ। बागेश्वरीलाई केन्द्र बनाएर यसको फेरि फेरि भएका सबै मठ मन्दिरहरूलाई हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक सर्किटको रूपमा विकास गरेर हामीले अगाडि जानुपर्छ। 550 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमै फैलल बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमै 4 हाथी लियाके सफारी भी सुरु कैल गेल बा। बाँके से रविन्द्र सिंह ठकुरीके रिपोर्ट।
विश्वसिम सार क्षेत्रमै सूचीकृत कपिलवस्तुकै जगदीशपुर तालमै जाडा मौसम सुरु भएला बाद आगन्तुक चिरै सबके आगमन बढल बा। जाडा मौसम सुरु भएला बाद कुवार से आगन्तुक चिरै सब आबेके सुरु भइल हा। विश्व सिमसार क्षेत्र में सूचीकृत कपिल वस्तु के जगदीशपुर ताल में साइबेरिया आ अन्य देश से चिरई आबेला। आसिन से चिरई के आगमन भी बढ़ गेल बा। ताल में ठंडी से बचेला और अंडा से बच्चा निकाले खातिर विदेशी चिरई सब आइल चिरई बिज्ञ सब बतावेलन। सजिया आ बिहनिया रोजाना 500 से बेसी चिरई चुनमुन ताल में आबेला। साइबेरिया रूस चीन मंगोलिया मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान आ किर्गिस्तान लगायत के देश से चिरई सब भी आयल बाटे। See so many birds. This lake is providing water to help farming and it's providing habitat for a lot of migratory and resident birds. I'm especially happy today to see the beautiful red-crested pochards, a type of duck that's so beautiful. And the black ibis, the black-headed ibis, the woolly-necked stork. These are birds we never see in America, so it's a real treat to see them here. अन्य देश में बेसी ठंडी होखल कारण चिरई सब ठंडी से बचेला नेपाल में आइल बिज्ञ सब के कहनाम बाटे। ठंडी में हिमपात होखे के आ खाना भी ना मिले वाला भइला से चिरई के सुरक्षित बासस्थान नेपाल के तराई क्षेत्र बनल बाटे। कार्तिक महिनामै धेरै चराहरू चाहिँ यहाँ आइसकेको अवस्था छ। यो यसपालि चाहिँ अब अरू पालि जस्तै मरुल भन्ने प्रजाति चाहिँ निकै नै निकै ठुलो सङ्ख्यामा देखियो। त्यस्तै अब विश्वमै दुर्लभ मानिने कमन पोचर्ड भन्ने हाँस पनि हामीले 30-40 हामीले आज हेर्न पायौँ। विदेशी आल चिरै 5-6 महिना रहला बाद गर्मी बढ्ला सँगै फागुन चैतोर फेरि लौट जाला। हर साल 50,000 से बेसी चिरई सब जगदीशपुर ताल में आके रहेला। ताल में सिमसार में आश्रित 61 प्रजाति आ अन्य 57 प्रजाति के चिरई सब बाटे। कपिल वस्तु से सनी उल्ला धोबी की रिपोर्ट। नवलपुर के गणाकोट में रहके निरंतर चित्रकला में लागल चित्रकार भीमप्रसाद शर्मा के काठमांडू में चित्रकला प्रदर्शनी होके वाला बा। गौथली अमानो बीच के संबंध दिखावे के उद्देश्य से शर्मा अभिवला अघन 22 से 27 गते तक नेपाल आर्ट काउंसिल काठमांडू में 10वां चित्रकला प्रदर्शनी होखे लागल हा। एकल चित्रकला प्रदर्शनी में पहले के फोटो सबसे ई बार बहुते अलग कास्ट चित्रपट में प्रस्तुत कैल चित्रकार शर्मा बतौनी। चित्रकला मार्फत शर्मा पहाड़ी गांव घर के बंद खिड़की गेट आ ताला चाबे के चित्र में उतार के बंद घर आ गौथली तथा प्रकृति अमानो बीच के सहसंबंध के सांकेतिक भाव प्रस्तुत बानी हा। पहाड़ से बसाई सर के तराई झरे के आ युवा सब विदेश पलायन भइला पर परिवार में आश्रित चिरई सबके पीड़ा के चित्रकला मार्फत प्रस्तुत कैल गेल बाटे। युवा विदेश पलायन होने है अरुण बाकी मानी बसाई सर गाँव का मानी शहर तीर जाने शहर का मानेर अज ते भाग बड़ी सुख सुविधा अब सीसा का महल ठुल्ठुला मलहरू बनाउने विदेशतिर गएर बस्ने त्यो खालको जुन ट्रेन छ त्यो ट्रेनले गर्दाखेरि त्यो परिवारमा चाहिँ आबद्ध भएका चराहरूको चाहिँ उनीहरू एक किसिमले होमलेसनेसको जस्तो होइन एक किसिमको विस्थापनको जस्तो अवस्थामा देखिएको। शर्मा के इससे पहिले प्रदर्शन भइल 7 चित्रकला प्रकृति आज जीवन के ही बारे में रहे। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा नेपाली अर्थतन्त्र के संरचना बदलल बताउने बानी। ग्लोबल आईएमई आ जनता बैंक मर्ज भइला बाद एकीकृत वित्तीय कारोबार कार्यक्रम में अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा नेपाल में अर्थ मन्त्रालय आ राष्ट्र बैंक के नीति मुताबिक बैंक सब मर्ज होखे के क्रम बढ़ल भी बताउने हा। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडा मर्ज प्रक्रिया से बैंक सब बड़का बनल आ जिम्मेवारी भी बढ़ल बताउले बानी। उही लेखा राष्ट्रीय अर्थतन्त्र मजबूत बनौला के साथ ही बचत कर्ता के विश्वास भी बढ़ल बताउनी। शेयर होल्डर को पूंजी ले मात्र यो हुने कुरा होइन, वैदेशिक पूंजी परिचालन गर्ने। अब तपाईहरु यति ठूलो बैंक भएपछि तपाईहरुले पनि हामी यति
मिलियन डलरको ब्याङ्क हौँ, हामीलाई ऋण देऊ, हामी तिर्न सक्छौँ। विदेशी वित्तीय संस्थाहरूबाट बढी स्रोत परिचालन गर्न तपाईँहरू अब सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो अपेक्षा हो। त्यो स्रोत यहाँ ल्याएपछि अनि दीर्घकालीन लगानीको लागि आधार बन्छ। अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडा बड़का ब्याङ्क सब बाहिरी आर्थिक स्रोत जुटावे पड़े के भी बताउने कार्यक्रममा राष्ट्र ब्याङ्कके गवर्नर चिरञ्जीवी नेपाल नेपाली वित्तीय स्थायित्वके उच्च प्राथमिकता देहल बताउने बानी। गवर्नर नेपाल ब्याङ्क सब मर्ज भइला बाद व्यवस्थापकीय आशुशासन क्षेत्रमा चुनौती बढे के भी बताउने बानी। वित्तीय संस्थाको सबभन्दा मेजर च्यालेन्ज ठूला ब्याङ्कहरू, साना ब्याङ्कहरू, भन्दा पनि विशेष गरी ठूला ब्याङ्कहरू, आइटीमा तपाईँहरू डिजिटलाइजेसन त प्रोसेसमा हामी छौँ, सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनिरहेछ। डिजिटलाइजेसनमा तपाईँहरूको खर्च अत्यन्त न्यून भयो। गवर्नर नेपाल संचालक सबके कार्यकारी प्रमुख पर ज्यादा नाफा कमाएला दबाव ना दिवेला भी कहनी हा। आप खेलकुद समाचार तेरहवा साग के आज छठा दिन तेईस खेल में प्रतिस्पर्धा हो रहा बा। साग के छठा दिन काठमांडू पोखरा अजनकपुर में करके कुल तेईस खेल में भिड़ंत हो रहा बा। आज आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबल, बैडमिंटन, क्रिकेट, गल्फ, हैंडबल, कबड्डी, साइकिलिंग, पौड़ी, शूटिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, बीच भलीबल, भारोत्तोलन, स्क्वैश, कुश्ती, बॉक्सिंग आ फेंसिंग में प्रतिस्पर्धा हो रहल बाटे। बैडमिंटन, महिला क्रिकेट, भारोत्तोलन, बीच भलीबल, आर्चरी आ हैंडबल पोखरा में हो रहल बा। वही लेखा कुश्ती, जनकपुर आ बाकी खेल काठमांडू में हो रहल बा। पदक तालिका में अभी तकले भारत 66 स्वर्ण सहित आगे बा त 37 स्वर्ण के साथ नेपाल दोसर का नंबर में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। एथलेटिक्स के 5000 मीटर दौड़ में नेपाल के मिलल स्वर्ण, गोपीचंद्र पार्की जीतलन स्वर्ण पदक। समृद्ध नेपाल बनावेला राज्यपक्षीय मनोविज्ञान तैयार करेला प्रदेश 5 के मुख्यमंत्री के कहना, जनता के राज्य के पक्ष में कर सकला पर द्रुत विकास होके के दावी। ग्लोबल आईएमए बैंक और जनता बैंक के एकीकृत कारोबार आज से शुरू, दुगो बड़का बैंक के मर्जर से ग्राहक सबके सहजता। भारत के हैदराबाद में भयल सामूहिक बलात्कार के 4 आरोपी सबके भारतीय प्रहरी के एनकाउंटर में मृत्यु। तेरहवा साग के आज छठा दिन 23 खेल में प्रतिस्पर्धा हो रहल, भारत 66 और नेपाल के 37 स्वर्ण। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।